हाय दोस्तों, आपका स्वागत है DXP ब्लॉग्स पे। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा ये पहला चैनल है, पहला यूट्यूब चैनल ऑफिशियली जो मैंने आज क्रिएट किया, DXP ब्लॉग्स। और मैं इसके थ्रू अपने लाइफ की जो जर्नी है वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें। और आज मैं जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने सबसे पहला अपना व्लॉगिंग कैमरा जो लिया है, सोनी का व्लॉगिंग किट, और वो उसका रिव्यू, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। और नेक्स्ट व्लॉग से मैं उस वही कैमरा यूज़ करूँगा व्लॉगिंग के लिए, और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसा, उसके जो फीचर्स है, उसकी जो वीडियोस है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू, और देखते हैं सोनी का व्लॉगिंग किट। दोस्तों, ये है सोनी का व्लॉगिंग किट, और मैं आपको अभी इसको अनबॉक्स करके दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं, और देखेंगे तो इसमें तो सबसे पहले तो इसका जो टैक्स इनवॉइस है, और इन्होंने हमें दिया है 32 GB का ये सोनी का मेमोरी कार्ड, रीड अप टू 90 MB/s। और इसके बाद हम लोग को दिया है ये केस है, नॉर्मल केस भी दिया इन लोगों ने कैरी करने के लिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। उसके बाद हमारे पास है ये इसका ट्राइपॉड है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके फीचर्स अच्छे हैं, शूटिंग ग्रिप विद वायरलेस रिमोट कमांडर है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके ब्लॉगिंग के लिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ये। उसके बाद हम लोग का जो मेन आइटम है वो है ये सोनी का मेन अल्फ कैमरा, ये इसका जो फीचर्स है वो आप, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये कैमरा का मॉडल नंबर है ZV-E10, और ये दिखने में ऐसे इसके साथ। दोस्तों, अभी हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं और चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। ये कुछ इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सोनी के वारंटी कार्ड, इसके एक्सेसरीज और कुछ पेपर्स हैं, प्रिकॉशंस और कैसे मैनुअल्स हैं, कैसे यूज़ करना है इसको। फिर उसके बाद मेन है इसमें, आपको जो मेन इसका सामान है वो है कैमरा, कैमरा मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। और उसके बाद आपके पास एसी अडैप्टर आता है, ये एसी अडैप्टर है, अब जिस कंट्री में हूँ वहाँ पे ये पिन यूज़ होता है। और उसके बाद आपके पास विंडस्क्रीन अडैप्टर आता है, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग ये वाला पावर केबल यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास एक शोल्डर स्ट्रैप आता है सोनी का, कैरी करने के लिए बहुत आसान है। और फिर आपके पास USB केबल, और इस केबल को आप यूज़ कर सकते हैं ये डेटा अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और ये हमारे पास है इसका माइक, इसको आप एज अ माइक यूज़ कर सकते हैं कैमरा पे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये विंड स्क्रीन है एक्चुअली, ये प्रोटेक्ट करने के लिए जब हवा, तेज़ हवा में आप वीडियोस लेते हैं तो। और ये दोस्तों जो मेन कैमरा है, यही मैंने वाइट कलर, उधर ब्लैक का मुझे चाहिए था, ब्लैक नहीं मिला तो मुझे वाइट मॉडल लेना पड़ा इसका, ZV-10 4K। और इसमें आपके पास मेन्यू है, फाइन ऑप्शन है, प्ले है, और डायरेक्ट फॉर व्लॉगिंग ऑप्शंस के लिए आप डायरेक्टली इसको इस बटन से ही आप व्लॉग शुरू कर सकते हैं अपना। सो ये बहुत अच्छा फीचर दिया इन लोगों ने। और इसका जो अपर्चर है वो 3.5 है, 3.5 to 5। आप फाइनली हम और इसको जब मैंने इसको माउंट कर, और ये देख सकते हैं सोनी का ZV-E10, और इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने ट्राइपॉड पे माउंट किया है, और इसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और ये इसका लिड है कैमरे का, और ये देखिए इसका लेंस E 3.5 5.6 इसका अपर्चर, तो इसका डाया देख सकते हैं आप, इसका
मैक्सिमम फोकल लेंथ, और ये इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ट्राइपॉड मैंने ओपन किया है, ट्राइपॉड आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे प्रेस करके, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन है। और देखो इसमें मैंने अपना बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों इंसर्ट कर दिया है। और तो इसका मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बता, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा ये कैसे कैसे काम कर रहा है और क्या मुझे बेनिफिट हुआ ये लेने से, व्लॉगिंग किट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, और आप बनिए रहे मेरे साथ।